चेंज हो गया क्या? और टोपी भी ऊपर वो भी है, मोर पंख भी है। या तेरे घर में काम करने वाले कम है, काम बढ़ाने वाले ज्यादा। हेलो गाइस, नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। और कल अष्टमी थी, हमने पूजा ऑलरेडी कर ली है। कल मेरा ब्लॉग बन नहीं पाया ड्यू टू सम रीजन। फिलहाल आपको मौसम बता दूँ तो अच्छी खासी धूप निकली और अब मैं निकलती हूँ काम पे और बोलते हैं जय माता दी। तो गाइस अभी पहुंच चुकी हूँ स्कूल, बस अब जाती हूँ काम पे और आपसे मिलूंगी सीधे काम पे। तो गाइस अभी आ गई हूँ अपने लंच ब्रेक पे, बहुत दिनों बाद जा रही हूँ वॉक पे, क्योंकि कई बार मौसम ख़राब होता है, कई बार मेरा खुद का मन नहीं होता और कई बार लगता है यार छोड़ो, बट नहीं यार छोड़ देंगे तो ऐसी हालत हो जाती है जैसे मेरे गालों की हो गई है। तो फिलहाल अभी तो जाते हैं वॉक पे, वेदर बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने जैकेट भी नहीं डाली हुई है, इट्स वेरी नाइस वेदर और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए वॉक फिनिश करते हैं और मिलते हैं। वॉक करते करते मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गई हूँ, आप देख सकते हो, और मैं अक्सर यहीं आती हूँ जब भी मैं स्कूल में वॉक करने आती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस। और आप देख सकते हो बहुत ही शांति है, बहुत ही पीस है, और लेक आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है, और उस ब्रिज को आप देख रहे हो जो पीछे है, उस ब्रिज से मैं घर जाती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगता है यार जब वॉक वॉक कर लेते हो ना, ऐसा लगता है कि दिन में कुछ अच्छा काम किया, पर कई बार वो अच्छा काम करने का मन नहीं करता आपको, पर जब कर लेते तो अच्छा लगता है। तो हमेशा मोटिवेट होते रहिए, खुद को ही करते रहिए, कोई और तो करेगा नहीं। तो फिलहाल चलिए स्कूल की तरफ चलते हैं, लंच ब्रेक ख़त्म होने वाला है और अब आपसे मिलूंगी सीधे स्कूल के बाद। तो गाइज अभी आ गई हूँ घर, घर आके रेडी हो चुकी हूँ और उसके बाद अभी जाते हैं खाना खाने। लकली आज मुझे खाना बनाना नहीं है क्योंकि खाना इन्होंने और पापा ने बना के रखा हुआ है, दाल चावल, आई थिंक नथिंग लाइक दैट। खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाना मुझे दूसरी जॉब पे। तो चलिए अभी जाते हैं खाना खाते हैं और आपको दिखाते हैं कि खाने में बना क्या है, और चलिए। तो गाइज ये है दाल चावल एंड अचार। तो ये जो खाना है पापा ने बनाया और चावल इन्होंने बनाया, तो आई एम टेलिंग यू कि दाल बहुत अच्छी है, मैं भी शायद इतनी अच्छी दाल नहीं बना पाऊंगी। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि बहुत बहुत टेस्टी है, मैं मूंगी दाल इतनी पसंद नहीं करती बट बहुत ही टेस्टी बनी है। तो पापा ने बहुत अच्छी दाल बनाई आई थिंक, तो मज़ा आ रहा है खाना खाने में, आपको खाना बना बनाया मिल जाए और चाहे सिंपल दाल चावल हो, मतलब आई एम टेलिंग यू इट मीन्स अ वर्ल्ड। और जो लोग पूरे दिन काम करके आते हैं थिंक वो समझते हैं कि आपको घर आके खाना बना हुआ मिल जाए ना, नथिंग लाइक दैट। तो चलिए मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ। और हाँ एक चीज़ और बताती हूँ, मुझे एक बहुत बुरी आदत है बेड पे खाना खाने की, पता नहीं क्यों है, पर कुछ बुरी आदतें लाइफ में होनी भी चाहिए। मैं नीचे नहीं बैठ के खा पाती, जब मैं आती हूँ मुझे लगता है मैं टीवी देखते हुए बेड पे आराम से खाऊँ, और मेरे बच्चे मुझे टोकते भी हैं, बट यार क्या करूँ, कुछ बुरी आदतें तो होनी भी चाहिए ना। तो चलिए फिलहाल खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं अपना खाना बस। तो गाइस अभी काम पे आ गई हूँ और अभी जाके काम करते हैं और काम के बाद आपसे मिलेंगे। अभी तो फिलहाल दिन हो रहा है, जब तक मैं आऊँगी तब तक शाम हो गई होगी, आई मीन रात हो गई होगी। तो अभी जाती हूँ काम पे और वेदर बोलूँ तो वेदर अच्छा है, थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है। और आज अगर मैं अपने स्टेप्स की बात करूँ तो मैंने 11,000 स्टेप्स कर लिए हैं ऑलरेडी, तो ये अच्छी बात है कि मेरा टारगेट ये कि कम से कम मैं 10-11,000 अपने स्टेप्स पूरे कर लूँ। और वेदर बहुत गर्म है, धूप निकली हुई है, तो फिलहाल चलते हैं काम पर और थोड़ी देर में क्लास फिनिश हो गई है और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, घर जाके कुछ खाना खाएंगे। और आज मेरा प्लान है कि हम पालक पनीर। आई लव ऑल द स्कूल फीचर्स ऑफ टेस्ला, आप देखो पीछे कैसे कार के पीछे ब्लिंक भी दिखा रहा है इधर, और यहाँ पूरा लाइट लाइट का पीछे सिग्नल दिखा रहा है, तो रियली लाइक इट। तो जैसे मैं इसको रिमूव कर दूंगी आप देखोगे। चलिए निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस अभी घर आई हूँ, घर आने के बाद मैंने ये देखा कि मैंने मेरी बेटी को बोला था कि मैं तुम्हें खीरे दूंगी कट करके, और इन्होंने अभी तक खीरा नहीं खाया, 3 घंटे से वेट कर रही ताकि मैं आऊंगी तो इन्हें खीरा दूंगी। मेरे घर में काम करने वाले कम है, काम बढ़ाने वाले ज्यादा, मतलब मैं आके भी पानी भी नहीं पिया मैंने तो। और यहाँ अभी बस मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर की सब्जी, और मैंने पालक ऑलरेडी बॉइल्ड वगैरह कर दी थी, इसको अभी पीसेंगे और हम बनाएंगे आज। इसको हमने इसमें बॉइल्ड किया है, बस अभी मैं इसका मसाला बनाते हैं, इसको पीसते हैं एंड पालक पनीर रेडी करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप हमारी पालक पनीर ऑलमोस्ट बन रही है, बहुत गर्म है अभी क्योंकि अभी अभी हम बना रहे हैं, और इस पर हमने स्पेशल ये तड़का लगाया मैंने अदरक और तेज पत्ते का, और आप देख सकते हैं इस पर हमने ये तड़का डाल दिया है। और अभी इसको हम पकने देंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि जितना ये पकेगा उतना अच्छा बनेगा। मेरा हाथ भी जल गया,
पर आप देखिए मेरी पालक पनीर शायद देखने में ना समझ में आए पर खाने में भाई गॉड बाजार से अच्छी बनती है मेरी पालक पनीर। कोई ना बोले बोले पर मैं खुद बोलूंगी। इधर देखो मेरा जो जला था, इसका जला था और ये मेरा जल गया। आपको दिखेगा ज्यादा नहीं पर जला है, ये अंदरूनी चोट है। कहते जो अंदरूनी चोट होती है दिखती नहीं पर बहुत गहरी होती है, मुझे वो गहरा वाला जला है। फिलहाल मैं जा रही हूँ, ये देखिए इनका शुरू हो गया स्पेस। ये बाल्टी किसने आ रखी है कपड़ों के साथ, कपड़ों के साथ ये देखिए। तो कृपया करके यहाँ से हटा दीजिए, नई बाल्टी आई है यहाँ रख दीजिए। और यहाँ पे इनका देखिए कौन सा वाला गेम खिलाओगे, तो गिव मी। हाँ तो मुंह ऐसा ना बनाओ क्योंकि ऐसा मुंह मेरा बन चुका था उस दिन। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ इनके साथ ये खेलने के लिए, खेलने जा रही हूँ। इसमें क्या उंगलियों में वही है। There's no daddy though. यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है, ब्लू कलर की ड्रिंक्स है और Go, can you try drinking it? Try drinking. Go to the drink. Really? Now do you want to play a game? हाँ कोई कह रहा है बॉक्सिंग करने, कोई कह रहा है कुछ कर रहा है। Look, this is walk floor. This is movie screen. Yeah. Don't walk in real life. And this is how you sprint. You have to hold down on it. Yeah. और खाना खाते हैं जिनकी पालक पनीर। और बस ऊपर आ गई हूँ और अभी इन्होंने मेरे लिए चाय बनाई क्योंकि मैंने सोचा था मैं चाय और नहीं पीऊंगी, बट आई थिंक ऐसा हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि चाय के बिना काम चलेगा नहीं मेरा। तो फिलहाल इसमें चाय पीना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हाथ जलते हैं, बट इसके बिना रहा भी नहीं जाता। और ये चाय इसलिए इसमें पी रहे हैं क्योंकि क्या होता है इसमें कम चाय आती है, और जो चाय वालों को लगता है ना कि चाय की वो होती है कि भाई कोई भी टाइम पे, तो आई थिंक कम चाय पी लो कम से कम एक सेटिस्फेक्शन होती है कि अपने चाय पी ली। मतलब ये हम कुछ टीवी पे देखने जा, बस चाय पीते हैं। और आई थिंक अब इस ब्लॉग को मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊँगा। इस फिलहाल मैं अपनी चाय पीती हूँ और इस ब्लॉग को बस अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, क्योंकि अब मेरी बैटरी भी चली गई और मेरे फ़ोन की भी बैटरी चली गई, हम दोनों को चार्जिंग पर लगना है। बट हाँ कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फ़ोन है एयरपॉड्स है उनके प्राइस डिफरेंस कितने हैं इंडिया और यहाँ पे। हमें तो मालूम है कितने और काफ़ी ज़्यादा हैं। फिलहाल आपके लिए ये वीडियो हम बनाएंगे, तो आई होप यू लाइक इट जो भी हम आपको दिखाएंगे कल वीडियो में। फिलहाल इस टाइम अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि बिल्कुल भी अब एनर्जी नहीं बची है। एंड हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। जय माता दी।